नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। दोस्तों, अगर आप घोड़े पर राइडिंग करके आए हैं, यानी कि सवारी करके आए हैं घोड़े पे, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। सवारी करके आते हो तो उसके बाद में आपको 10-15 मिनट घोड़े को घुमाना चाहिए, क्योंकि जब राइडिंग करके आते हैं आप तो घोड़े के राइडिंग बाद में देखना कि पसीने बहुत आ जाते हैं, स्वेट बहुत आ जाते हैं, काफ़ी सारा पसीना आ जाता है। तो आप पसीना को, यानी कि 10-15 5-7 मिनट घोड़ी को इधर उधर घुमाएं, क्योंकि राइडिंग करने के बाद में पसीना आता है। तो आप कुछ जो नए हॉर्स लवर होते हैं वो क्या करते हैं कि राइडिंग करके आए और तुरंत, यानी कि उसके सपाट उतारी और घोड़ी को बांध देते हैं, ऐसा नहीं करने का है। क्योंकि राइडिंग करके आते हो तो आपको 10-15 मिनट ऐसे घुमाना चाहिए घोड़ी को, ताकि उसका जो स्वेट है, यानी कि पसीना है, वो पूरा सूख जाए। सूखने के बाद में क्या है कि 5-7 मिनट घुमाने के बाद में क्या है कि उसकी जो वो काठी होती है, जो ये बंधी हुई है, इस काठी को यानी कि सूखने के बाद में इस काठी को खोल लें। चले जाने के बाद में इस काठी को खोल लें और काठी को खोल के जो गद्दा दिख रहा है, तकिया दिख रहा है आपको, बैठने की सीट है, जो गद्दा दिख रहा है देखा हूँ, इसको आप यानी कि रगड़ के उतारें। जब आप उतारते हैं लास्ट में तो इसको रगड़ के उतारें, जो गद्दा उतारें। इससे क्या होता है कि जो पसीना आया हुआ रहता है वो सारा पहुँच जाता है, और क्या होता है कि पसीना सारा पहुँचने के बाद में फिर से वापस घोड़ी को इस प्रकार से इधर उधर घुमाएं। घुमाने के बाद में क्या है कि कुछ नए हॉर्स लवर होते हैं वो क्या होता है कि नीम के पेड़ के नीचे ला के बांध देते हैं। जो नए हॉर्स लवर होते हैं वो क्या करते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे ला के बांध देते हैं। जैसे पसीना आ रहा है, नीम के पेड़ के नीचे ला के बांध दिया, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करने का है। नीम के पेड़ के नीचे बिल्कुल भी नहीं बांधने का है घोड़ा घोड़ी को, क्योंकि जो पसीना आया हुआ रहता है, और अगर आप नीम के पेड़ के नीचे ला के बांध दिया तो आपका पशु पक्का 100% बीमार होएगा। तो ये आपको या जब राइडिंग करके आएँ तो नीम का पेड़ के नीचे नहीं बांधने का है, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई और अच्छी जानकारी साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।